हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुर पटेल, डर्मेटोलॉजी एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। मैं इस टॉपिक में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के बारे में शेयर करने वाला हूँ। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नए वीडियोज़ आप तक ज़रूर मिले। जिसे मैंने देखिए, आप इन टॉपिक्स में मैंने काफ़ी मेहनत करके इन वीडियोस को बनाए हैं, तो आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुर पटेल, डर्मेटोलॉजी एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ फंगल इन्फेक्शन के सीरीज़ जो मैंने बनाई हैं उसके नौवीं वीडियो के बारे में। लेकिन इन वीडियोज़ को सुनने से पहले मेरा आपसे हर बार की तरह आप इस बार भी अनुरोध है कि आप चैनल में जो रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑल ऑन मतलब ऑन करके रखें। जिससे क्या होगा कि ये जो सीरीज़ या दूसरे बीमारी के लिए भी मैं जो सीरीज़ लाऊंगा वो आपसे मिस नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, इस टॉपिक में मैं आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंगल इन्फेक्शन में कुछ ट्रीटमेंट आप लंबे समय से करा रहे हैं, लंबे समय से कराने के बाद भी अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है, आप अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो कैसे करना चाहिए। मतलब आज इस टॉपिक में चर्चा कर रहा हूँ रेजिस्टेंस केस के बारे में। अगर आपका फंगल रेजिस्टेंस हो गया है तो आपको हिडन फैक्ट माने छुपी हुई जगहों को कैसे खोजें, कहाँ पे आपको सर्च करना चाहिए, आपकी बॉडी में, आपके कपड़े में, आसपास कहाँ ऐसा खोजें कि जिससे कुछ छुपे हुए चीज़ें आपको पता चल जाए। कुछ मिस्टेक्स, अच्छी मेडिसिन करने के बाद भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं जिनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जब आपको फंगल इन्फेक्शन मान के चलिए कि एक साल से ज़्यादा हो गया है, मतलब एक साल से ज़्यादा होना माने एक परेशानी शुरू हो गई आपको। अब इन्फेक्शन क्या हो रहा है, ठीक होने के बाद वापस हो जा रहा है, एक जगह का इन्फेक्शन ठीक होने के बाद दूसरी जगह पे हो जाता है। आप अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन भी लिए हैं, अच्छी स्किन डॉक्टर को भी दिखाए हैं, तो क्या होता है जब भी आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लेने तक तो इन्फेक्शन ठीक रहता है, उसके थोड़े दिन बाद फिर हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिस्टेक्स हो रहा होगा, चाहे आप ट्यूब्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे या कुछ ऐसे मिस्टेक हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को नोट करें, पेपर में नोट करें, ध्यान से सुने, रिपीट कर करके सुने, तो आपको हो सकता है कि कुछ जो मिस्टेक हो रहे होंगे वो आपको ज़रूर पता चलेगा। देखिए हम सिर से पैर तक के लेके चलते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे क्या होता है, अगर आपके बाल हेयर ज़्यादा बड़े हैं मेल पर्सन में या फीमेल में, हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल लगा रहे हैं, डेंड्रफ ज़्यादा है, तो पहला चीज़ आप ध्यान दें कि आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें, बालों की जड़ों को क्लीन रखें, साफ़ रखें। अगर बालों को बांधने के लिए आप हेयर बैंड, बैंडेज, अगर कोई ऐसा चीज़ लगा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली एक ही चीज़ को यूज़ कर रहे हैं या घर में आपके पास सेम चीज़ है, तो उसको आप डिस्कार्ड कर दें, मतलब फेंक दें, नया ले लें। क्योंकि फंगस क्या होता है, ये फोमाइट इन चीज़ों में चिपके रहता है और वो आपको बार बार आता है। सेकेंड चीज़ होता है कि आप गले में कोई भी धागा, कपड़े के चीज़ें, माला या कुछ ऐसा चीज़ पहनते हैं तो उनको ज़रूर नोटिस करें, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन के छुपने का सोर्स हो सकता है। सेम उसी तरीके से नाक में, कान में पहनने की चीज़ों को अच्छे से आप उसको वॉश करें, धूप में सुखाएं। चौथा चीज़ होता है आपका जो स्पेक्स, चश्मा हम पहने, जैसे मैं चश्मा पहनाऊँ तो उसमें क्या होता है, इस हिस्से में फंगस ग्रीनिश देखना आप, वहाँ पे लग जाता है, वो फंगस का सोर्स आपकी बॉडी में रहेगा और आपको भी परेशान करेगा। जो आप कपड़े पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, जो आप मान के चलिए रेगुलर जिसको पहन रहे हैं, तो उसको एक काम कर सकते हैं, उन पूरे सेट को आप अलग रख दें, एक नया सेट ले लें, उनको इस्तेमाल करें। और कपड़ों को क्या करें, अल्टरनेट, मतलब आज जब पहने हैं तो उसको 4-5 दिन बाद पहने, कल जो पहने उसको अगले 4-5 दिन बाद पहने, रोटेशन में पहने, कपड़ों को धूप में अच्छे से सुखाएं। इसके अलावा इस सिर के आसपास में जैसे कंघी, जो टॉवेल चेहरा पोंछने के लिए, जो टॉवेल आप शरीर पोंछने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनको देखें, सेम होगा तो उनको भी आप ज़रूर चेंज करें, धूप में सुखाएं। अब जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो कई बार हम होता है कि हाथों में, इंडियन कल्चर है तो बहुत ज़्यादा हैबिट रहता है कि हाथों में हम धागा, पूजा के बाद जो धागा बांधते हैं वो भी एक फंगल इन्फेक्शन का सोर्स, महिलाएं हाथों में जो बांधते हैं धागा। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन लंबे समय से, जैसे मैंने बताया, परेशान हैं तो इनको भी आप कोशिश करें, अगर आपको पॉसिबल है कि इनको निकाल सकते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि इन चीज़ों को निकाल दें, बॉडी को क्लीन रखें, कम से कम ऑर्नामेंट इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है।
इंडिया में क्या होता है, घरेलू हाउस वाइफ्स हैं, जैसे वुमेंस हैं, बार बार जैसे बर्तन धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, बार बार पानी गीला हो रहे हैं, तो आप नाखूनों को चेक करें, चाहे हाथ के चाहे पैर के, कहीं भी हल्का ग्रीनिश, हल्का येलोइश, पीलापन, कालापन नाखून में या नाखून के किनारे में जमा हो रहे हैं, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन का मेन रीज़न हो सकता है। इसके अलावा आप जो अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, जो पेंट, जो लोअर, ये चीज़ें पहन रहे हैं, इनको धूप में अच्छे से सुखाएं। इसके अलावा याद रखें कि आपको कपड़े धोने का एक मैं अच्छा तरीका बता रहा हूँ। क्या होता है, जब भी आप अपने अंडरगारमेंट्स धोते हैं तो अंडरगारमेंट्स को अलग जगह अलग सरफेस पे धोया करें, जो सॉक्स होते हैं उनको अलग जगह पे और अलग सरफेस पे धोएं, और इनके अलावा आपके जो नॉर्मल रूटीन कपड़े होते हैं उनको भी अलग सरफेस, मतलब अगर आप बाथरूम में धो रहे हैं तो तीन प्लेसेस ऐसे होने चाहिए, तीन छोटे छोटे स्टूल होने चाहिए, उनके ऊपर अलग धोएं, ताकि एक का इन्फेक्शन दूसरे में ना फैले। सिंपल प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है, लेकिन अगर इनको आप ध्यान देते हैं तो रेजिस्टेंट केसेस, रिपीटेशन जो हो रहे हैं, ये आपको होने के चांसेस कम रहेंगे। मैंने जो बताया आपको हो सकता है, इसके अलावा भी देखिए अलग अलग तरह के लोग हैं, जैसे मैं ट्रिमर यूज़ करता हूँ, कभी कोई सेविंग किट यूज़ करते हैं, तो वो सोर्सेज को भी आप ज़रूर ध्यान दें। इनके अलावा क्या रहता है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं है लेकिन मेडिसिन खाने से एग्रीवेट हो रहा है, मतलब कोई चिकन मटन मसाला कुछ खा रहे हैं तो भी बढ़ सकता है, कोई ऐसा डाइट है उससे बढ़ सकता है, अल्कोहल लेने से बढ़ सकता है, चेहरे में हो रहा है तो धूप से बढ़ सकता है, तो आप उन चीज़ों को भी ज़रूर नोटिस करें कि कोई ऐसा चीज़ है, कहीं वो आपको प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, रेजिस्टेंट हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें, सोचें और इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। अब हम चलते हैं इसको ठीक कैसे करें। इन सब चीज़ों को आपने हटा दिया तो अब अपनी बॉडी में हर दिन मॉइस्चराइज़र लगाएं। जिन जगहों पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे तो ज़रूर 4 से 5 बार लगाएं, ताकि वहाँ जो स्किन लंबे समय तक डैमेज हो रही थी वो रिकवर करे। हाँ, एक और पॉइंट बता दूं मैं आपको, जैसे कई लोग सोचते हैं कि सर धागा जहाँ हमने बांधा है वहाँ तो फंगस नहीं हो रहा है, यही एक चीज़ रीज़न होता है। जैसे देखिए, धागा तो आपने जहाँ बांधा, लेकिन हमारी स्किन क्या होती है ना, वहाँ फंगस नहीं होगा, दूसरी जगह पे होगा, और वहाँ पे आके अटक जाएगा, फंगस रहेगा और आपकी दूसरी बॉडी को देगा। जैसे एक तरह का बैक्टीरिया हमारे नाक में, मुंह के पास और नाभि में रहता है, लेकिन वो इन्फेक्शन आपको चेहरे में पिंपल जैसे, फोड़े, फुंसियों जैसे कराता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ साइट्स होते हैं जहाँ की रिजर्वायर, मतलब वहाँ पे रहने का काम करता है, बीमारी वहाँ नहीं कराएगा, वहाँ रहेगा और दूसरे जगहों पे बीमारी कराएगा। तो आशा करता हूँ मैंने जो आपको ये बार बार हो रहा है ये रेजिस्टेंट फंगस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बताया, ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और आखिरी में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। धन्यवाद।